मशहूर फिल्म और टीवी एक्ट्रेस गीता भादुरी की मंगलवार सुबह मृत्यु हो गई। किडनी खराब होने के चलते वह पिछले 10 दिन से आईसीयू में भर्ती थी। आजकल वह टीवी सीरियल निमकी मुखिया में इमरती देवी का किरदार निभा रही थी। गीता भादुरी की उम्र 62 साल थी। वह 70, 80 और 90 के दशक में बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आई थी। फिल्म जूली में निभाए गए उनके किरदार को कौन भूल सकता है। रीता भादुरी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी रही थी। मूल रूप से गुजराती न होने पर भी वो गुजराती फिल्मों की एक सफल अभिनेत्री थी। मंगलवार की सुबह एक बेहद दुखद खबर सामने लेकर आई। फिल्म और टीवी की एक चर्चित अभिनेत्री रीता भादुरी का निधन हो गया। वो 63 साल की थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनकी दोनों किडनी काफी कमजोर हो गई थी और लंबे समय से वो दूसरे दिन डायलिसिस के लिए जाया करती थी। रीता जी पिछले 10 दिन से मुंबई के सुजय अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थी, जहां उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि डायलिसिस के दौरान भी वो अपने टीवी शो निमकी मुखिया, जिसमें वो इमरती देवी के किरदार में थी, उनकी शूटिंग करती रही। सेट पर सभी लोग उनका पूरा ख्याल भी रखते और उनकी सुविधा में शिफ्ट की टाइमिंग तय हुई होती है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने मीडिया से कहा भी था कि बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के डर से क्या काम करना छोड़ दें, मुझे काम करना और व्यस्त रहना पसंद है। मुझे हर समय अपनी खराब हालत के बारे में सोचना पसंद नहीं, इसलिए मैं खुद को व्यस्त रखती हूँ। उनका यह शो काफी पॉपुलर रहा। टीवी आर्टिस्ट सुशील शर्मा ने उनको याद करते हुए कहा कि रीता भादुरी के निधन से वो सदमे में है, वो एक बेहतरीन इंसान थी। साथ ही उन्होंने कहा कि रीता भादुरी का अंतिम संस्कार मंगलवार 17 जुलाई दोपहर 12 बजे किया जाएगा। वो हम जैसे कई लोगों के लिए माँ की तरह थी। गौरतलब है कि अपने 3 दशक लंबे करियर में रीता भादुरी 30 से ज्यादा टीवी धारावाहिकों के अलावा लगभग 70 फिल्मों में नजर आई हैं। टीवी शो की बात करें तो छोटी बहू, कुमकुम, साराभाई, वर्सेस साराभाई, अमानत, एक महल हो सपनों का जैसे शोज किए हैं। जबकि फिल्मों की बात करें तो रीता भादुरी, सावन को आने दो, विश्वनाथ, अनुरोध से लेकर हाल के वर्षों में क्या कहना और दिल विल प्यार व्यार जैसी फिल्मों में नजर आई। उनके निधन से हर तरफ शोक का माहौल है। उनके साथ काम कर चुके कई कलाकार उनको याद कर भावुक हो रहे हैं। सोशल मीडिया में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार के निधन की खबर आई थी और अब रीता भादुरी के निधन की खबर आई है।